हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं कोमल नहाटा। आज गुरुवार है और हर गुरुवार की तरह हम प्रीव्यू करेंगे आने वाली फिल्म को, यानी टुमॉरोज रिलीज। और कल रिलीज हो रही है करण जौहर की एक मैं और एक तू, विच इज डायरेक्टेड बाय फर्स्ट टाइम डायरेक्टर शकुन बत्रा। और इस फिल्म में है करीना कपूर, इमरान खान और इनके साथ है बमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह एंड रणधीर कपूर। ट्रेलर से ही नजर आता है कि ये एक अर्बन फिल्म है, यानी अर्बन ऑडियंस, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, सिटी ऑडियंसेस के लिए बनी है। ये कहानी है राहुल कपूर और रियाना ब्रिगेंजा की, यानी इमरान खान एंड करीना कपूर। इमरान खान अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और वो लास वेगस में बतौर आर्किटेक्ट नौकरी करते हैं। सडनली एक दिन उनकी नौकरी चली जाती है एंड इज क्वाइट अशेम्ड। उन्हें डर लगता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स का नाम खराब कर दिया है और उन्हें डर लग रहा है कि वो पेरेंट्स को ये न्यूज कैसे दे। वेल, सडनली ही मीट्स करीना कपूर यानी रियाना ब्रिगेंजा, जो कि एक बहुत ही टॉकेटिव एंड बहुत ही फन लविंग हेयर स्टाइलिस्ट है। उनकी दोस्ती बनती है, दोस्ती बढ़ती है और क्रिसमस के दिन वो मिलते हैं ओवर ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा पी लेते हैं और शराब के नशे में जब वो अगले दिन उठते हैं तो पता चलता है कि शराब के नशे में उन्होंने दोनों ने शादी कर ली थी। नेचुरली दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर मैरिज बिकॉज दे डोंट इवन नो वेदर दे सूट ईच अदर। और इसलिए वो दोनों तय करते हैं कि इस मैरिज को एनल कर दिया जाना चाहिए। नेचुरली राहुल कपूर को तो एक और टेंशन है, वो अपने पेरेंट्स को आखिर जाकर क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे। कोर्ट में वो दोनों अप्लाई करते हैं फॉर पुटिंग एन एंड टू द मैरिज। कोर्ट उन्हें 10 दिन के बाद की टाइम देती है एंड 10 दिन में उनके साथ क्या क्या होता है। वेल, दे हैव देयर शेयर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मोमेंट्स, लाफ्टर, जॉय, सब कुछ होता है। तो क्या इन 10 दिनों में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, क्या उनकी शादी आखिर में टूटती है, और व्हाट इज द एंड टू दिस वेरी अनयूजुअल लव स्टोरी, दैट्स व्हाट एक मैं और एक तू इज ऑल अबाउट। इस फिल्म के गाने अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं एंड बहुत ही अलग टाइप के लिरिक्स है, बहुत ही अलग टाइप के बोल है और इसका संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। और अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य का नाम लेते हैं तो ऑफकोर्स गाने तो हिट होने ही चाहिए, पॉपुलर होने ही चाहिए। और इसके गाने चाहे वो टाइटल ट्रैक हो या आंटी जी हो या फिर गुब्बारे और एनी अदर सॉन्ग, ऑल द सॉन्ग्स हैव बिकम पॉपुलर। इस फिल्म के ट्रेलर्स को देखने से साफ नजर आता है कि ये फिल्म सिटी ऑडियंस को टारगेट करती है, मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस, बड़े शहरों की ऑडियंसेस, उन्हें टारगेट करती है क्योंकि मसाला जो है इस फिल्म में उनके लिए लिखा गया है, बनाया गया है। Which is not to say that ये छोटे शहरों में रिलीज नहीं होगी या सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में रिलीज नहीं होगी, ऑफकोर्स वहां भी रिलीज होगी, लेकिन मेजर चंक ऑफ द बिजनेस मल्टीप्लेक्सेस से और बड़े शहरों से आने की संभावना है बिकॉज द ट्रेलर्स आर सच एंड द फील ऑफ द फिल्म इज सच। और इसलिए बड़े शहरों में इस फिल्म की चर्चा भी है। एक तो करीना कपूर और इमरान खान की फ्रेश पेयरिंग अभी तक तो छोटे पर्दे पर ही नजर आई है तो छोटे स्क्रीन पर अच्छी लग रही है, बट One hopes that on the big screen also, this pairing, this fresh pairing looks good enough for it to attract the audiences to the cinemas. Marketing के नाम पर करण जौहर, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन्होंने खूब मेहनत की है और पानी की तरह करण जौहर और यू टीवी ने पैसा भी बहाया है। द लीड पेयर ऑफ द फिल्म यानी इमरान खान और करीना कपूर हैव विजिटेड नॉट जस्ट सिटीज इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हां, अलग अलग कंट्रीज में ये इस फिल्म को प्रमोट करने गए हैं एंड Therefore, this film should open well, not just in India, but in the overseas circuit too. वैसे भी love stories, especially youthful love stories, overseas audience को पसंद है. That may be one more reason why Karan Johar decided to concentrate on the overseas circuit for promoting and marketing his film so intensively and extensively. अगर हम एक मैं और एक तू के economics की बात करते हैं, well, इस फिल्म के बनने में, प्रमोट होने में और रिलीज होने में करीब 35-36 करोड़ रुपए लग गए। जी हां, 35 टू 36 करोड़ इज द बजट ऑफ द फिल्म एंड फ्रॉम थ्री सोर्सेज अलोन, यानी ऑडियो, होम वीडियो एंड सैटेलाइट राइट्स, द प्रोड्यूसर्स दैट इज करण जौहर एंड यू टीवी शुड इजिली बी एबल टू रिकवर अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द बजट। जैसे कि एक्सपेक्टेड है ये फिल्म ओपनिंग लेगी, इफ ऑल गोज वेल देन पहले तीन दिन में यानी फर्स्ट वीकेंड में ही इंडिया से ही इसका पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स
प्लस वॉट एवर कम्स फ्रॉम द ओवरसीज सर्किट विल गो टूवर्ड्स द प्रॉफिट ऑफ द फिल्म. करीना कपूर और इमरान खान की पेयरिंग तो ऑफकोर्स फ्रेश है, बट गानों का भी बड़ा सहयोग रहेगा फॉर द फिल्म टू ओपन वेल इन द सिटीज. इस फिल्म का निर्माण किया है करण जौहर और यूटीवी ने मिलकर, सो इट्स अ जॉइंट प्रोडक्शन वेंचर ऑफ यूटीवी एंड करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन. और करीना कपूर का जो सक्सेस का दौर चल रहा है वो तो है ही, दैट वुड ऑल्सो एड टू द ब्रांड वैल्यू ऑफ दिस फिल्म. रावण, बॉडीगार्ड, तो करीना कपूर इज ऑन अ रोल. सो ऑल्सो इमरान खान. इमरान खान की पिछली दो फिल्में जो हैं दिल्ली बेली एंड मेरे ब्रदर की दुल्हन, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया था. यानी हीरो और हीरोइन दोनों का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, द इमीडिएट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इज इंडीड वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. फिर करण जौहर का ब्रांड वैल्यू तो है ही. धर्मा प्रोडक्शंस की दो हफ्ते पहले ही अग्निपथ रिलीज हुई थी, एंड अग्निपथ जो कि पुरानी अग्निपथ जो कि बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी उसका रीमेक है, एंड ये नई अग्निपथ बॉक्स ऑफिस पर खूब चली है, खूब चल रही है. सो एवरीथिंग सीम्स टू बी सेट इन फेवर ऑफ एक में और एक तू. देखते हैं कल ओपनिंग कैसे लगती है एंड अल्टीमेटली ये बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस कैसे करती है. तो ये तो हुआ प्रीव्यू ऑफ द फिल्म बीइंग रिलीज टुमारो एक मई और एक तू. आइए अब बात करते हैं कुछ एग्जिबिटर से और उनसे जानते हैं कि उनके सिनेमाज में एक मई और एक तू की क्या चर्चा है, एडवांस बुकिंग है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, एंड पब्लिक की दिलचस्पी या क्यूरियोसिटी कितनी है. तो सबसे पहले हमारे साथ है मिस्टर हेमंत पंचामिया जो हमें बताएंगे कि ई स्क्वायर मल्टीप्लेक्स विच हैज प्रेजेंस इन पुणे, औरंगाबाद, मुंबई एटसेट्रा, वहां पर एक मई और एक तू की एक्साइटमेंट क्या है, एडवांस बुकिंग कैसी है. हेमंत भाई, ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है. कोमल नाहटा बोल रहा हूं. हेलो कोमल जी, कैसे हैं आप? बस फाइन सर. हेमंत भाई, कल एक ही फिल्म लग रही है, एक मई और एक तू. व्हाट इज द एडवांस बुकिंग लाइक? एडवांस टेकन अ वेरी गुड ओपनिंग कंसिडरिंग यूथ सेंट्रिक फिल्म है. करेक्ट, लुक बहुत अच्छा है, म्यूजिक काफी पॉपुलर हो गया. म्यूजिक पॉपुलर, यस यस यस. तो मतलब वेरी वेरी डिसेंट ओपनिंग. ओ लवली, यानी यूथ इज बीइंग अट्रैक्टेड टू द प्रमोशन. प्रमोशन एकदम टारगेट को, इट हैज हिट द नेल ऑन द हेड सॉर्ट ऑफ. Right, right. It is like we were very surprised to see the kind of response it got in that one. Oh, lovely. Very encouraging. And ये सिर्फ आपकी पुणे प्रॉपर्टी में है कि औरंगाबाद वगैरह में भी ऐसा ही रिस्पॉन्स है? Basically, the response is very good in Pune, but other properties, it is not as compared to Pune, it is a little slow. But advance लगी है picture. Advance लगी है, वही अच्छी बात है, because आजकल advance, unless there is a real lot of buzz, advance लगती नहीं है. So, चलिए फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप दैट द एडवांस जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी लोगों को फिल्म भी लगे. ओके कोमल, थैंक यू, थैंक यू. और अब हमारे साथ है जैम मल्टीप्लेक्स गाजियाबाद के मैनेजर ऑपरेशंस मिस्टर प्रदीप्त रॉय. प्रदीप्त जी, ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है. आई एम कोमल नाहटा यर. कोमल जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. फर्स्टली टेल मी, टुमारो एक मई और एक तू इज रिलीजिंग, हाउ इज द एडवांस बुकिंग एंड हाउ इज द बज अमंग द ऑडियंस? Advance booking is pretty good in the for this particular movie. The the buzz is about youngsters. Youngsters, अच्छा. Youngsters में मतलब buzz अच्छी है. अच्छी है, अच्छी buzz है. और जो भी advance booking आज की date में हो रही है वो youngsters के लिए है. That till the segment of 35-4. Correct. का अच्छा segment आ रहा है. Correct. और actually trailer से भी यही लग रहा है कि target audience youth है, city based audience है. जी हाँ, ट्रेलर्स काफी अच्छे हैं इस मामले में. बेसिक डेट हस्बैंड पिक्चर जैसे कॉमेडी मूवी. करेक्ट. एंड लेट्स सी अंदर क्या है, पिक्चर के अंदर क्या है वो तो कल ही मालूम चलेगा. बट आपको लगता है कि फ्राइडे को ओपनिंग अच्छी लग सकती है? डेफिनेटली, बिकॉज लास्ट दो वीक से कोई अग्निपथ कोई सेकेंड वीक में कोई रिलीज नहीं थी. करेक्ट, करेक्ट. इस वजह से इस पिक्चर से भी काफी उम्मीद है. एंड बीइंग अगेन धर्मा प्रोडक्शंस एंड जो मूवी, उम्मीद की जा रही है कि दिस मूवी इज गोइंग टू रॉक दिस वीक. वेरी नाइस. एंड आई थिंक द सॉन्ग्स एंड द ट्रेलर्स बोथ हैव बीन लाइक्ड, सो दैट्स द एडेड एडवांटेज. और शायद इसीलिए मेरे ख्याल से एडवांस बुकिंग अच्छी हुई है. जी हाँ, क्योंकि इसमें बोथ करीना एंड इमरान खान, इमरान खान बोथ हैज अ डिफरेंट फैन फॉलोइंग. करेक्ट. एंड करीन जो जिस वजह से जो डिफरेंशिएशन है वो इसी में. Basically, movie एक couples के बारे में, it's something different factor is there. Correct. In the trailer also. Correct. In the trailer then. Correct. Something different factor is there. Correct. और वो different, कुछ different है वो trailer में stand out हो रहा है.
स्टैंड आउट हो रहा है बिल्कुल एंड इफ दैट हैज बीन प्रोजेक्टेड इन द मूवी देन इट विल बी डूइंग वॉल्स फॉर दिस मूवी करेक्ट करेक्ट चलिए फिंगर्स क्रॉस थैंक यू प्रदीप जी थैंक यू सो मच एग्जिबिटर्स का फीडबैक तो आपने सुनी लिया आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर से यानी शकुन बत्रा से शकुन वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस कोमल लहाटा बोल रहा हूँ Hi Komal, thank you so much for having me here. Arey Shakun, hardly a few hours more before the film opens in front of the public. So, what is the feeling like? Are you excited and nervous? Mixed feelings? What is it? I guess it's a mixed bag of feelings. I am excited. I am nervous. Just keeping my fingers crossed. पहली फिल्म है, उसको लेकर डर है? नहीं मेरे ख्याल से जितनी कोई भी पिक्चर बनाऊंगा तो ऐसा डर तो रहेगा ही पिक्चर आने से पहले एक एक्साइटमेंट है एंड जितने लोगों को अभी तक पिक्चर दिखाई है उनको अच्छा लगा है तो देखना चाहता हूँ कि आगे ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहेगा अच्छा जनरली ट्रायल रिपोर्ट्स में क्या फीडबैक मिला है आपको आपके काम का और करीना और इमरान के काम का फीडबैक अभी तक काफी इनकरेजिंग रहा है परफॉर्मेंसेस के को लेके हो चाहे पिक्चर को लेके हो एंड आई एम होपिंग कि जो जो रिएक्शन अब तक स्क्रीन में मिला है वही रिएक्शन अगर ऑडियंस में मिलेगा तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी करेक्ट और आपको क्या लगता है कल जब ये फिल्म ओपन होगी ओपनिंग रिस्पांस किस तरह का होगा वी ऑल आर होपिंग कि देयर विल बी अ गुड वर्ड ऑफ माउथ फॉर द फिल्म करेक्ट एंड It's difficult for me to kind of put a to quantify it. Correct. But I hope ki word of mouth will help, and we can only hope that that it'll only get better as it goes along. Shali, very nice, Shakun. Yes, wishing you all the very best, and let's just hope that yes, jis tarah ki trial reports aayi hai, usi tarah ki public reports bhi aaye, usse bhi better aaye. Thank you so much. Thank you so much, Komal. Thank you so much. All the very best. All right. Thank you. Bye. Well, friends, that's all for today.